अटेंडेंस रजिस्टर दिखाई है आपने? कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? मैम दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, 7-8 परमानेंट। ये कहाँ है मिसेज सुषमा? अभी आई नहीं है मैम, मैसेज भी नहीं है। मिसेज ज़ेबा जहाँ आई है मैम, अटेंडेंस टीचर, अटेंडेंस कितनी साइन है? हो सकता है साइन ना करिए मैम। कहाँ पर है उनकी क्लास? अच्छा, मिसेज मृदुला शर्मा। मृदुला सम मैम का ना 30 तारीख को रिटायरमेंट। हाँ जी, तो शी इज़ ऑन द लीव टुडे इटसेल्फ। तो उनकी एप्लीकेशन दिखाइएगा सर, कोई सी उसमें रिटायरमेंट है तो उनकी एक उनकी दो बच गई थी। उनकी जब भी रिटायरमेंट हो जी मैम, उनको लीव लेके तो जाना होगा। हाँ, एब्सोल्युटली। इनको कॉल करिए, मिसेज सुषमा को, कहाँ पर है? जी हाँ जी, कॉल करिए जी मैम। नहीं, आ जाइए आप, जल्दी आइए। क्या टाइम है स्कूल स्टार्ट होने का? 7:30 मैम। हाँ जी, और अभी क्या टाइम है? नहीं, लेट है मैम। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप इंचार्ज हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप इंचार्ज हैं, पर इंचार्ज तो आप नहीं, हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बात को कहने का कोई मतलब वो नहीं है। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सटेंडेड प्रेयर थी थोड़ा सा। हाँ जी, नहीं बट टीचर क्यों नहीं आई है? हाँ, आ जाना चाहिए था, टाइम पे ही आते हैं डेली। बच्चों का आने का टाइम क्या होता है? बच्चे मैम 7:15 और 7:30 के बीच में आते हैं। और 7:30 स्कूल शुरू होता है जी। आपकी एक टीचर आधा घंटा लेट है, एक टीचर आपके कैजुअल लीव पे हैं बिना एप्लीकेशन के, और आप कह रहे हैं आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने टीचर हैं सर आपके स्कूल में कुल मिला के? 10, उसमें आप शामिल हैं? जी मैम, मैं शामिल हूँ। उस 10 टीचर में से 2 टीचर स्कूल में नहीं हैं और आपको कुछ अता पता नहीं है? मैम पता है, मैम ने तो पहले कल उसी दिन बोल दिया था 2 दिन की कैजुअली, ऑन द फोन उन्होंने मेरे को बोला। ऑन द फोन बताना होता है क्या? नहीं बताना होता। कैसे बताना होता है? कैजुअल लीव लेने का क्या तरीका होता है? हाँ, प्लान थी एक्चुअल में मैम की छुट्टी, शी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। हाँ जी, भाई मतलब तो आपने क्या किया उस पे? ये हो सकता है कि 1-2 छुट्टी ले ली, चलो इट्स ओके। म्यूजिक टीचर है वैसे भी, तो क्या हुआ, कोई भी टीचर नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है, आई मतलब आगे से ध्यान रखेंगे, प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इनके पे एब्सेंट लगाइए जी, सुषमा मैम। हाँ जी जी मैम, इनसे एप्लीकेशन ले दीजिए। आइए चलिए जी मैम। गुड मॉर्निंग, किसकी क्लास है यहाँ पे? ये मैम सेकंड की मैम स्वाति चौहान है, लीव पे हैं वो आज फीवर की वजह से। नहीं तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा अगर कोई टीचर लीव पे है? ये मैम मैं ही देखूँगा। अपने आप को ये अरेंज करना है। तो क्या हाल है क्लासरूम का मैम? हाँ जी, ये क्या हाल है, कबाड़ खाना है क्या, स्कूल है? बताइए ये क्या है। नहीं, ये सब क्या है? ये तो कोई एक दिन की गंदगी, है। धुलाई हुई है यहाँ पे, ये गंदगी देखिए, वो तो पानी गिराया होगा बच्चे ने, मिट्टी इतनी है, तभी कीचड़ हुआ है पूरा। मैम करा देंगे, एक्चुअल में मैम थोड़ी सी समस्याएं हैं सेकंड शिफ्ट के स्कूल होने में, क्योंकि हम भी प्रयास करते हैं, वो भी प्रयास करते हैं बच्चों। आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के आने से पहले स्कूल को रेडी करना है जी मैम, ये आपकी जिम्मेदारी है जी मैम। सेकेंड शिफ्ट और आपके बीच में बहुत घंटों का समय होता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन भी बनाया मैम, अब धीरे धीरे करके अभी। नहीं तो जो सफाई कर्मचारी है उसको जल्दी बुलाइए, बच्चों के आने से पहले 1-1.5 घंटा पहले बुलाइए। सिंगल सफाई कर्मचारी है जी, अब पूरा स्कूल है। ये क्लासरूम कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, ये कोई एक दिन की गंदगी नहीं है, जमी हुई है सारी गंदगी मैम। वैसे तो नहीं कह सकते, पर अभी ना 6-7 दिन पहले भी धुलाई करवाई थी।
बरांडे की भी और क्लास रूम की। ये देखिए आज तक कभी ये टाइलें साफ़ नहीं हुई हैं। आप क्या कह रहे हैं, 6-7 दिन पहले आपने धुलाई कराई है? नहीं, धुलाई तो मैम कराई थी। और उसके बाद से कुछ नहीं कराया? नहीं, 6-7 दिन। ये कमरा तो पता नहीं कितने दिन पहले साफ हुआ है। इस कमरे की भी, उसकी भी, जो फर्स्ट सेकंड के कमरे की धुलाई कराई। यहाँ देखिए हर जगह तो पूरी गंदगी जमी हुई है। ये कोई एक दिन की गंदगी नहीं है। आई विल नॉट डिसअपॉइंट, डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट ऑन। नहीं, आप मुझे नहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इन बच्चों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। नहीं, बिल्कुल मैम ना, इनको इस गंदगी में बिठाया हुआ है आपने। आपको शर्म नहीं आ रही है इस क्लासरूम का हाल देख के? 7:30 बजे आपका स्कूल शुरू हुआ है, 8 बजे तक टीचर नहीं आई, आपको कुछ पता ही नहीं है? मैम पता है, लेकिन तो पता है तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वो है मैम, अभी अरेंज करना पड़ता है, फिर अभी मतलब करता मैं। ये सब क्या है, क्या है ये सब, ये क्या है, कबाड़ खाना है ये, क्या है ये, क्या हाल है स्कूल का आपके? अब आप मुझे बताएंगे इसकी भी आपने सफाई कराई है? नहीं मैम, इसमें तो हमारी क्लास नहीं बैठती है, इसको एज सॉर्ट ऑफ स्टोर यूज कर रहे हैं, तो इसकी सफाई नहीं करेंगे? नहीं, कराते तो हैं मैम। और ये कॉरिडोर, ये सब यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं? नहीं मैम, हैंड वॉश। देखिए इसका हाल क्या है, ये क्या है बताइए मैम, बताइए, इसको साफ करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मैम हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये दिखता नहीं है, सरकार से तनख्वाह लेते हैं आप, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इन बच्चों के माता पिता जो टैक्स देते हैं ना, इससे आपका और हमारा घर चलता है। जी बिल्कुल। और ये दे रहे हैं आप गंदगी बच्चों को, ये क्या है? इन सीढ़ियों की कब सफाई हुई है? ना कूड़ा हटा है, ना पानी पीने की जगह साफ है, ना सीढ़ी साफ है, ना क्लासरूम साफ है, तो पूरे स्कूल को ही आपने कबाड़ खाना बना लिया है। और कहाँ पे हैं कमरे आपके? ऊपर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टॉयलेट। ये मैम हम यूज नहीं करते, यूज नहीं करते तो साफ नहीं करते? नहीं करते तो है। ये सफाई हुई हुई है अभी मैम, इसको लास्ट में कराते बिल्कुल, जब सारी स्कूल की सफाई हो जाती। इसको देखिए क्या जमी हुई है दीवार, बिल्कुल गलत है। ये पिछली बार कब साफ हुई है? गलत है मैम। आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल। कि आपकी जिम्मेदारी है अगर आप स्कूल के इंचार्ज हैं? मैम 6-7 दिन से ही मैंने ये लिया है और सही बता रहा हूँ सर, मैम पूरे प्रयास कर रहा हूँ। हाँ जी, पानी कहाँ है? पानी मैम आरओ है, आरओ में दिक्कत आ रही है कल से कुछ, अभी मैंने तो आज कोई पीने का पानी नहीं है स्कूल में। नहीं, दूसरी टाइप से पी लेंगे। आरओ मैंने ठीक कराया था लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आई है। कब से खराब है? अभी 1-2 दिन हुए मैम, मैंने बोला है जिन्होंने आरओ ठीक किया वो करने आए। और ये दोबारा से, ये बताइए ये क्या है? गलती है। तो कितने सालों से नहीं साफ हुआ है? ये जाले देखिए इस पे, आपके घर में भी ऐसी गंदगी होगी? ये आप मुझे बताइए कि आप अपने सफाई कर्मचारी से अगर आप चाहें तो एक हफ्ते में पूरे स्कूल को चमका सकते हैं, चाहे आपके पास एक सफाई कर्मचारी है। आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको बहुत लीजिए, भेज दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? पाइप से ही धुलाई होती है ना इसकी, एक बार सुबह में पानी लगवाया था मैं आते ही, और एक बार अभी लगवाऊंगा दोबारा से, बिल्कुल साफ। ये क्या है बताइए, ये देखिए। नहीं है, गंदा है, गंदा है। तो आज आपको, आपको आज दिखी है गंदगी? नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ मैम धीरे धीरे। मैम ये पार्क की सफाई हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं, मैंने कल एप्लीकेशन उनके लिए लिखी है, साइन करते। ये क्या है कमरा? नहीं करते मैं। ये क्या कबाड़ है? बंद तो कर ही सकते हैं। ये क्या है पता नहीं मैम, मैं भी इतना स्कूल में ज्यादा पुराना नहीं हूँ, तो सेकंड शिफ्ट वालों का ही होगा जो भी है, मुझे तो इसकी, मुझे तो आपके स्कूल में आए हुए 15 मिनट हुए हैं। जी मैम। अगर 15 मिनट में मुझे दिख गया है तो आपको इतने दिन में नहीं दिखा?
और आप इंचार्ज बनने से पहले पढ़ाते भी थे स्कूल में? हाँ मैम पढ़ाता। कोई आसमान से तो उतर के नहीं आए आप 6 दिन पहले? जी मैम। आपको ये कभी दिखा नहीं कबाड़? मुझे डीडी को, डीडी को कॉल करिए, बताइए सर प्लीज 7 दिन का टाइम दे दीजिए मुझे सर। मैम हमें ही दिक्कत होगी। नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत, बच्चों को गंदगी में रखा हुआ आपने, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इन सीढ़ियों की कब सफाई हुई है बताइए? हाँ जी, ये सब क्या गंदगी है बताइए? मैडम एक वीक का टाइम दे दीजिए मैम प्लीज। नलके कहाँ हैं यहाँ के? नलके मैम मैं लगाऊंगा, टूट गए थे। कब टूटे? ये तो नहीं पूरा पक्का कह सकता मैं, पहले ही टूटे होंगे, लगवाए भी थे मैंने तो नहीं पर सर ने लगवाए थे। हेलो, हाँ जी संजय जी, आपके सराय काले खान के स्कूल में हूँ मैं, आप आए हैं कभी ये स्कूल में? कबाड़ खाना है ये स्कूल, कबाड़ खाना। इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी गंदगी है, महीनों से साफ नहीं हुआ होगा, मिट्टी की परत जमी हुई है, फर्श का रंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इतनी गंदगी है। आपके यहाँ के स्कूल इंस्पेक्टर कौन है? आप एक तो उनको भेजिए और आप उन पे भी एक्शन लीजिए। अगर उनकी निगरानी में किसी स्कूल का ये हाल है तो स्कूल इंस्पेक्टर पर भी एक्शन बनता है। ये कैसे है कि हमें मिल जाता है स्कूल जिसमें गंदगी है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता? कहाँ कोई चेक कर रहा है स्कूल को? कहाँ रहता है? आप यहाँ तो भेजिए उनको अभी, वो बताएं, वो जवाब दें इस बात का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, किसकी क्लास है यहाँ पे? किसकी क्लास है? सोनी मैम है। कहाँ है वो? आई नहीं है, कॉन्टेक्ट टीचर है तो उनका शायद कोई मैसेज भी नहीं है अभी। आपके रजिस्टर में तो उनका नाम नहीं था? नहीं मैम, कॉन्टेक्ट टीचर का अलग है रजिस्टर, वो तो आपने दिखाया नहीं हमें। दो ही टीचर है, देख लेना। तो कहाँ पर है ये? कहाँ पर है मैम? अभी देखो इनका 8:20 पे मैसेज आया, अभी इस चीज को देखो। कहाँ पर है ये? ये उधर रहती रोहिणी की साइड। और आपको कुछ पता ही नहीं है? मैम 8:20 पर मैसेज आया, तब से मैं आपके साथ ही हूँ ऑलमोस्ट। 7:30 पर आपका स्कूल शुरू होता है? जी मैम। 8:20 पर टीचर मैसेज भेज रही हैं? जी मैम। और आपको पता नहीं है कि वो स्कूल नहीं पहुँची हैं? मैम स्कूल अभी क्या था, मैं लगा रहा था सारा। 10 टीचर हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं। 12 टीचर हैं जी, उसमें से एक टीचर CL पे आपको एप्लीकेशन नहीं देती, एक परमानेंट टीचर गायब है आपको पता नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर गायब है आपको पता नहीं है। नहीं मैम पता है, बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे क्लास में। मैम पता है इनका ये आप है पता है तो आप क्या कर रहे हैं इनकी? अगर कोई टीचर नहीं आई है 7:30 तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैम एक घंटा बीत गया है, कम से कम कुछ अरेंजमेंट तो करेंगे आप? मैम बिल्कुल अभी अरेंज करता, बिल्कुल तब से आप ही के साथ हूँ मैम, बिल्कुल अरेंज करता। आधा घंटा बीत गया है सर, आप मेरे मैं तो जब आई हूँ तब तक आधा घंटा निकल गया था स्कूल का। तभी जब आप आए थे विदाउट एनी एक्सक्यूज, जब आप आए थे तभी बच्चे ऊपर आए हैं ये प्रेयर के बाद। हाँ जी, यहाँ की टीचर कहाँ है? वो यहाँ सुषमा मैम है जिनकी एब्सेंट लगी है। तो 3 क्लासरूम है आपके यहाँ पे, बैठो बच्चे, 3 क्लासरूम है आपके यहाँ पे जिन पे जहाँ पे टीचर नहीं है।
इस क्लास में भी टीचर नहीं है? नहीं, इसमें मैं। अभी आपने कहा कि आप अपना अरेंजमेंट, बैठो बच्चे, अब अभी आपने कहा आप अपना अरेंजमेंट नीचे लगाएंगे, अगर आपके पास अपनी क्लास है तो आप अपना अरेंजमेंट नीचे कैसे लगाएंगे? क्लास है, मतलब इसमें मैं अभी अरेंजमेंट लगाता, जो भी जैसे भी टीचर से सबको देखता कि कहाँ से, जैसे हमारे पास में नर्सरी में दो टीचर्स हैं, और एक आज मैंने आपसे बच्चों यही तो कहा, आपके पेपर चलने के बाद ऐसा क्या हो गया ख़त्म होते ही कि आपने एकदम आज बच्चे कम हो, इसी क्लास में 40 में से 36-35 बच्चे बैठे थे, आज 20 रहे। आपके टीचर ही नहीं आएंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? नहीं मैम, रेगुलर। अगर आपके स्कूल में टीचर ही गायब हैं, चार चार क्लासरूम में टीचर ही नहीं है, बच्चे क्यों आएंगे? क्यों भेजें इनके माता पिता इनको स्कूल? स्कूल कबाड़ खाना बना हुआ है, इतनी गंदगी है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्लास में टीचर नहीं है, बच्चों की क्या गलती है वो नहीं आ रहे तो? मैम जिम्मेदारी तो आपकी है। ये क्या है, ये क्या है? तो तब तक ऐसे ही रख लेंगे? नहीं मैम, 5 मिनट में सब साफ हो जाएगा। और इसकी सफाई कब हुई है? ये क्या है, गंदगी भरी पड़ी है। इसकी भी सफाई मैम कराई तो थी, कब कराई थी? बाहर से मजदूर बुलवाया था डस्टिंग के लिए, 3 दिन लगातार। इधर भी मैम, पहले इधर आइए। हाँ जी, यहाँ पे कब हुई है सफाई? ये जाले देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो गंदा है यहाँ पे मैम। आपको शर्म नहीं आती है क्या सर? हाँ जी मैम, टूटी हुई डेस्क है यहाँ पे रखवाई थी। ये सब क्या है? ये स्कूल है के कबाड़ खाना है? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? इसका भी मैम मैंने बोला था सेकंड शिफ्ट वालों को कि इसको जो है, आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको नेगलेक्ट कराओ, कैसे भी करो। आप इसे कंडेम तो करवाइए ही, पर ये गंदगी क्यों पड़ी है? गंदगी मैम, ये गंदगी साफ करने के लिए भी आपको सेकंड शिफ्ट का प्रिंसिपल चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं अपने एफर्ट से कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। और ये दरवाजा क्यों खुला है? हाँ जी जी मैम, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? चौकीदार रहता, चौकीदार आया होगा सुबह देखने के। और आपको कुछ पता ही नहीं है? देखो अब एक सेकंड सर, चौकीदार है, चौकीदार आपके यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, कोई बच्चा यहाँ पे चढ़ के गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप कहेंगे चौकीदार आता है? हो सकता है मैम उसने किसी सफाई वाले को सवेरे दिखाया हो। कहाँ है चौकीदार? नीचे है, बुलाइए उसको। जी जी, फोन करके बुला लीजिए। नीचे ही आ रहे हैं, नीचे ही बुलाइए। इसमें ताले का सिस्टम ही नहीं है तो लगाया कैसे ताला? आइए, कैसे लगाएगा ताला बताओ जरा। हाँ जी, नहीं इसमें ताले का तो टूटा हुआ है। हाँ वो तो हम भी देख रहे हैं टूटा हुआ है। आपने देखा है अभी तक ये टूटा हुआ है? नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं। पहले आप कह रहे हैं आप कुछ ही दिन से इंचार्ज बने हैं? जी मैम। लेकिन एक हफ्ता तो हो गया है आपको? हाँ जी मैम। मुझे आपके स्कूल में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है? जी मैम। पंद्रह मिनट में हमें दिख गया है कि छत पे ताला नहीं लग सकता, कबाड़ खाना बना हुआ है, और आपको इतने दिन में नहीं दिखा? क्योंकि एक बार ना टंकी साफ कराई थी, टंकी साफ कराने में वो टंकी साफ करने वाला वो खोल के छोड़ गया था उसका ऊपर वाला। पूछिए स्कूल इंस्पेक्टर कहाँ पहुंचे हैं? वर्मा जी आप नेक्स्ट वीक आएंगे, डीडी और स्कूल इंस्पेक्टर के साथ आएंगे। जी सर। और अगर एक हफ्ते में स्कूल की सफाई नहीं होती है तो आप फिर अपनी नौकरी छोड़ दीजिएगा, खुद ही छोड़ दीजिएगा। क्यों अपने आप को बेइज्जत कराएंगे, सस्पेंड हो के यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो, बताइए। इसलिए तनख्वाह लेते हैं आप? 7 अक्टूबर को आएंगे, 7 अक्टूबर को आएंगे। अपना कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स वाला रजिस्टर दिखाइए।
मुझे भी थोड़ा सा समय लगा समझने में। हाँ जी दिखाइए, नमस्ते, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स वाला रजिस्टर दिखाइए, दिखाइए। दो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं आपके पास? जी एक आई हैं, एक देखो मैम लीव लगती है, किसी को छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, ये लगी हुई है लीव, नहीं आए हैं तो लीव लगेगी, हो सकता है 10-5 मिनट लगने में टाइम लग जाए, माइट बी पॉसिबल, लीव लगेगी 100%। आपको तो पता ही नहीं था सर कि वो स्कूल में नहीं है? नहीं, वो तो हम तो था। वो तो हम आपकी क्लास में चले गए तो आपको पता चल गया, आप आए अचानक से तो मेरा भी थोड़ा सा मतलब एकदम से ट्रैक एक आपका एक सेकंड ही बताइए। हाँ। अगर 7:30 बजे स्कूल शुरू होना है तो आप कम से कम उसे 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तो पहुँचेंगे? हम तो आते हैं। और अगर आप आए हैं बच्चों से पहले तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सी टीचर 7:30 बजे तक नहीं पहुँचे। जी जी जी। तो फिर आपने क्या किया 8 बजे तक? आपने कुछ नहीं किया, ना आपने उनको कोई फ़ोन मिलाया, ना आपने पता किया कि टीचर कहाँ पर हैं, कोई किसी को फ़ोन नहीं, कोई पता नहीं कि कौन सा टीचर लेट है, कहाँ पर है? नहीं है किसी के लिए भी छुट्टी, सबकी लगती है, चाहे फोर्थ क्लास है चाहे हमारा। दिखाइए आपने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज की रजिस्टर दिखाइए। ये रहा मैम, अब कल ये नहीं आई थी सुशीला, छुट्टी लगी हुई है इसकी। कितने हैं लोग आपके यहाँ पे? दो हैं मैम, एक अटेंडेंट है, ये मर्सी। ये कहाँ पे हैं? बालक सफाई कर रही होगी मैडम। और ये कहाँ पे हैं? ये अटेंडेंट है। हैं कहाँ पे? आज नहीं है ये मैम, छुट्टी लगा देंगे। आपके यहाँ अटेंडेंट गायब है, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर गायब हैं, आपके यहाँ रेगुलर टीचर गायब हैं। संजय गौर जी को फ़ोन लगाइए। संजय जी, ना सिर्फ आपके स्कूल में रेगुलर टीचर गायब हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर गायब हैं, अटेंडेंट गायब हैं, आपके तो स्कूल इंस्पेक्टर भी गायब हैं। आपके स्कूल का यही हाल है क्योंकि आपके स्कूल इंस्पेक्टर का ये हाल है? अगर मैं पहुँच सकती हूँ सुबह आपके स्कूल में 8 बजे, आपके स्कूल इंस्पेक्टर नहीं पहुँच सकते क्या? आप अपने स्कूल इंस्पेक्टर को शो कॉज नोटिस दीजिए आज। अगर स्कूल का ऐसा हाल है तो उनकी गलती है, ये प्रिंसिपल की, इंचार्ज की तो गलती है ही। स्कूल इंस्पेक्टर सो रहा था क्या? अपने स्कूल इंस्पेक्टर्स को भी बता दीजिए कि ये ढिलाई नहीं चलेगी। हाँ जी, ये बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी है? ये बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी है? वैसे तो भारी खड़ी करते हैं प्रेयर में। बाइक किसकी? ये किसकी बाइक है? जगदीश, ऊपर ताला उसका टूटा हुआ है यार, उसका ऊपर वाले गेट का। हाँ जी, आप चौकीदार हैं? जी सर। आपके? हाँ जी। हाँ जी मैम, छत का ये टूटा हुआ है, कुंडी टूटी हुई है। कुंडी हटा रखी है जी उसकी, अभी वो सफाई फुफाई करवाई नहीं अभी। कुंडी हटा रखी है वो तो कुंडी तो बहुत पहले से मेरे पहले से हट रही, पर हम ऐसा लॉक लगाते हैं। कैसा? अच्छा, ऐसा लगाते हैं, चैन वाला लगा। तो अभी खुला क्यों है? हाँ जी, खुला क्यों है? सफाई करवाई थी ना जी अभी 2 दिन पहले, तो 2 दिन से खुला है। हाँ तो बीच में। हाँ जी, नहीं छत की कराई, 2 दिन पहले सफाई कराई थी आपने? बंद नहीं, और जो बाहर छत की सफाई करवाई और जो बाहर सारी गंदगी पड़ी है वो वहीं की वहीं रहने दी आपने? मैम इनसे भी बोला था मैंने, और बाकी। हाँ जी, तो मैं अभी बंद कर, अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? बंद करो अभी, विद इन मिनट्स, अभी तुरंत बंद, मेरे पास चैन लॉक रखे अभी बंद। इस बात को याद रखिएगा कि इनके बच्चों के जो माता पिता टैक्स देते हैं ना, उनसे आपका भी घर चलता है, हमारा भी घर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन बच्चों को आपने कूड़ेदान में रखा हुआ, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है? अगर आज हम आते नहीं तो यही कूड़ेदान महीनों तक चलता रहता। हाँ ऐसा बोल सकती हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मैम पूरा। आप यहाँ आप एक हफ्ते में स्कूल साफ करिए, वरना आप पे एक्शन देंगे। दो मिनट में तो, दो मिनट पानी वानी तो मैं